उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट और फूलपुर की लोकसभा सीट, दोनों सीटों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्य जी के इस्तीफा देने से खाली हुई थी और फूलपुर सीट उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के इस्तीफा देने से खाली हुई थी। उन दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अन्य सभी सम्मानित छोटे दलों ने मिलकर एकजुट होकर जो एकता दिखलाई है, ये सभी की एकता का फल है कि भारी मतों से दोनों गोरखपुर और फूलपुर सीटें जीती गई हैं। इसके लिए मैं माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, परम श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी को और सभी जिन लोग राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, हम सब मिलकर उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और ये जनता की जीत है, गरीब की, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, व्यापारी की, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार को 4 साल पूरे होने को हैं। किसान बर्बाद हो गया, व्यापारी बर्बाद हो गया, नौजवान बर्बाद है और विकास का काम शून्य है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर। 2019 का चुनाव भी अब नजदीक ही है, ऐसे में ये दो सीटों पर जो जीत मिली है, क्या लगता है 2019 में? ये 2019 के लोकसभा चुनाव का यूपी के मतदाताओं ने, गोरखपुर और फूलपुर के मतदाताओं ने ये टेलर दिखलाया है। निश्चित रूप से सब एकजुट होकर 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की कुर्सी पर सभी लोग मिलकर कब्जा करेंगे। मैं गोरखपुर और फूलपुर के समस्त मतदाताओं को अपनी पार्टी की ओर से, अपने साथियों की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से एकजुटता का परिचय दिया है, इसी तरह से आगे भी सब एकजुट होकर दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने का काम करेंगे।